श्री हरिहर हॉस्पिटल। आपको एक याद दिलाना चाहूंगा, जो आपकी एक सड़क है दोगरी समाना, वो सड़क का नाम था दोगरी समाना त्यून समालन, समालन त्यून तक जाती थी। उसमें गिफ्ट डीड नहीं हो पाई, वो मेरी प्राथमिकता नहीं थी, मेरे से पहले संभवतः चंद्रसेन जी के टाइम की प्राथमिकता थी। और ऊपर एक नियम है कि अगर वो प्राथमिकता में बहुत देर हो जाए तो फिर उस सड़क को जो है क्लोजर होता है। उस सड़क का क्लोजर हो गया था, वो नबार्ड की थी। और उसके बाद क्या हुआ, जब मुख्यमंत्री जी डुग्गी लगाए, आपको याद होगा, तो मैंने आग्रह किया, मैं कहा जी ये सड़क समाना तक पहुंच सकती है, आपकी आपका अधिकार है, ये एक विधायक प्राथमिकता की सड़क थी, मैं ये लोगों का भी ढील रही, गिफ्ट नहीं दे पाए, कुछ नहीं कर पाए, तो मैंने कहा इसको कर दीजिए। उन्होंने उस दिन उसकी घोषणा की, हमने दो गरी से लेकर काम लगवाया और आज विभाग की कृपा से हम समाना पहुंच गए हैं। और विधायक महोदय को याद दिलाना चाहूँगा, श्रवण वहाँ का प्रधान था मानगढ़ पंचायत का, तो आपने उठकर कहा था कि ये सड़क 13 साल नहीं बन पाएगी, महेश्वर सिंह के पीछे काय को पड़ा हुआ तू, तो मैं याद दिलाना चाहूँगा विधायक जी को कि वो सड़क मैंने नियत्थे होते हुए भी मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके उसको आज तैयार करवा दिया है। उसकी लिंक जुड़ गया, अब मेटलिंग टायरिंग तो सेकंड स्टेज में होती है। मुझे एक बात की याद है कि जो जेठानी की सड़क थी, उस सड़क में उन दिनों में मैं विधायक था और हमने उसमें प्राथमिकता दी हुई थी, और क्या किया, ले गए और उसका भूमि पूजन कर दिया कि ये जी हम कर रहे हैं इस सड़क का। मैंने उन दिनों में इतना, मैंने कहा नए नए विधायक हैं, चलो अभी बैठे राजनीति में रहने दे, हाँ हम चाहे विधायक हैं चाहे नहीं है, अगर सत्ता पक्ष में है या विरोध पक्ष में, हम कोई ना कोई आग्रह तो कर ही सकते हैं ना। अब मैं भले विधायक नहीं हूँ लेकिन मैं अपने सरकार के साथ हूँ, हमने सरकार को कुछ पत्र लिखे, अनुरोध किया, उसके फलस्वरूप हमको ये स्वीकृति मिली।